Good morning, dear friends, and greetings in the name of Jesus. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. And he is always good. और वो हमेशा भला है. And so it is good to walk with this very good God. और इसलिए ये अच्छा है कि हम ऐसे भले परमेश्वर के संग चलते रहें. So now let us listen to God's word. और आइए अब हम परमेश्वर के वचन को सुने. Today's meditation is centered around a passage from the Gospel according to St. Luke, chapter 1, verse 28. और आज का जो हमारा मनन है, उसे हमने लिया है लोका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, 28वां वचन. The angel Gabriel was sent to Mary to give her the news of her becoming the mother of the Savior of the world. Which verse is that? 28? No, you just translate. और स्वर्गदूत गैब्रियल को मरियम के पास भेजा गया ताकि वो परमेश्वर के संदेश को उस तक पहुंचाए. And the angel addressed her as the highly favored one. और स्वर्गदूत ने जब मरियम से मिला तो उसे ये कह करके बुलाया कि तू कुंवारी जो परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर हुआ है. Mary was highly favored above all women in being chosen as the mother of Jesus. और मरियम के ऊपर परमेश्वर का अति अनुग्रह हुआ और इसलिए परमेश्वर ने उसे दूसरी स्त्रियों के ऊपर अपना अनुग्रह दिखाते हुए चुन लिया. Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? The mother of the Son of God. कि वो माँ बनेगी परमेश्वर के पुत्र की. Now the New Testament never indicated that she is to be worshipped. और नए नियम में कभी भी इस बात को बताया या दर्शाया नहीं गया कि मरियम की आराधना करनी चाहिए और प्रेड टू और या उसके मरियम के को हमें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए और गिवन एनी टाइटल या किसी भी प्रकार की उपाधि उसे देनी चाहिए. शी डिसर्व्स आवर रेस्पेक्ट. उसे हमारे आदर के योग्य मरियम है. बट ओनली हर सन जीसस मेरिट्स आवर वर्शिप. लेकिन हमारी आराधना सिर्फ उस मरियम का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही मिलनी चाहिए. Remember when the wise men arrived. याद रखिए जब वो ज्ञानी लोग वहां पहुंचे. They saw Mary along with her son Jesus. उन्होंने देखा मरियम अपने पुत्र प्रभु यीशु के साथ. But whom did they worship? और उन्होंने किसकी आराधना करी? Not Mary. मरियम की नहीं. They worshipped the Son of God. उन्होंने परमेश्वर के पुत्र जिसका जन्म हुआ था यीशु की आराधना करी. And there are two things to consider from this story. और इस कहानी से दो ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें देखना है. Number one, पहली बात, Mary was chosen because she found favor with God. और मरियम को इसलिए चुना गया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ. Ahasuerus, ruler over 120 provinces, including India. I didn't get that. Ahasuerus. Or Ahasuerus ruled over 120 provinces, including India. Or a part of India. और वो ये व्यक्ति लगभग 120 प्रांतों के ऊपर राज्य करता था जिसमें भारत का भी एक भाग सम्मिलित था. So he was a very powerful king. और ये व्यक्ति बहुत ही सामर्थी राजा था. A great emperor. और एक बहुत महान सम्राट. And he chose Esther to be his wife and queen. और उसने चुना कि एस्थर उसकी पत्नी और रानी बनेगी. Why did he choose her? और क्यों उसने एस्थर को चुना? Because of her beauty. उसकी सुंदरता के कारण. And her attractive appearance. और उसके लुभावना दिखावा या जिस प्रकार से वो दिखती थी उसके कारण. Now, Mary found favor with God. और मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ. Not necessarily because of her beauty. और वो इसलिए नहीं था कि वो बहुत सुंदर थी. But because of her inner beauty. लेकिन ये तो उसकी अंदरूनी सुंदरता के कारण था. ब्यूटी ऑफ ह्यूमिलिटी एंड गॉडलीनेस. और वो सुंदरता जो उसकी दीनता और भक्ति में दिखती थी. एंड सो ग्रेटेस्ट ब्यूटी ऑफ अ वुमन इज हर जेंटलनेस एंड ह्यूमिलिटी एंड गॉडलीनेस. और इसलिए एक स्त्री की सबसे महान सुंदरता है उसकी दीनता, उसकी भक्ति और उसकी नम्रता. हर लाइफस्टाइल प्लीज्ड गॉड.
और उसकी जीवन शैली ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। To the extent that he chose her to the most important task. और इस स्तर तक प्रसन्न किया कि परमेश्वर ने उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुन लिया। To be the mother of our Lord and Savior Jesus Christ. कि वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसकी माँ ठहरे। In 2 Timothy chapter 22 और दूसरा तिमोथियस उसका दूसरे अध्याय में We read these words. हम इन वचनों को पढ़ते हैं। 2 Timothy chapter 2 और दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय एंड वर्स 21 और उसका 21वां वचन We read here, therefore if anyone cleanses himself from what is dishonorable he will be a vessel for honorable use set apart as holy useful to the master of the house ready for every good work यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा Did you notice the words used there क्या आपने देखा है किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वहां पर He never mentioned anything about outward appearance और वहां पर किसी बाहरी दिखावे के बारे में सुंदरता के बारे में नहीं कहा गया This is what God looked और इसी ओर परमेश्वर देखता है God himself said man looks at the outward but not I और परमेश्वर ने खुद कहा कि मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है लेकिन मैं अंदरूनी जांच करता हूं I look inside of a man or a woman and see what is लेकिन inside. मैं तो एक पुरुष एक स्त्री के हृदय को जांचता और परखता हूं और देखता हूं अंदर क्या चल रहा है There are mention of wood and clay और वहां पर लकड़ी और मिट्टी का जो है वर्णन किया गया है You know, wood can be and will be clay. और जो लकड़ी है सॉरी वुड कैन बी एंड विल बी डिस्ट्रॉयड इन अ फायर और याद रखिए लकड़ी को हम आग के द्वारा नष्ट कर सकते हैं एंड क्ले कैन बी एंड विल बी ब्रोकन बाय अ जेंटल ड्रॉप और याद रखिए मिट्टी को एक नम्र बूंद से तोड़ा जा सकता है गोल्ड एंड सिल्वर ऑन द अदर हैंड लेकिन सोना और चांदी दूसरे हाथ पर एंड्योर एंड सर्वाइव बोथ और ये दोनों ही बातों को झेल सकते हैं और उनके उससे ऊपर जीवित रहते हैं and in the fire, और इसलिए आग में both gold and fire and silver are purified इसलिए आग में दोनों सोना और चांदी शुद्ध होते चले जाते हैं and become more valuable और ज्यादा उनका मूल्य हो जाता है It is a fire that makes silver and gold more valuable than otherwise और ये तो वो आग है जो सोना और चांदी को और मूल्यवान बनाती है Mary was chosen और मरियम को चुना गया why क्यों because of her enduring character of holiness क्योंकि वो उस पवित्रता के चरित्र को अपने जीवन में रखे हुए थी and added to that is her humility और उसके संग वो एक दीन स्त्री थी Mary's blessing not only brought her great joy और मरियम की आशीषों ने ना केवल उसे एक महान आनंद का अनुभव दिया but also suffering लेकिन साथ ही साथ दुखों को भी लेकर के and pain और दर्द फॉर हर सन वुड बी रिजेक्टेड एंड क्रूसिफाइड क्योंकि उसके पुत्र को ठुकराया जाएगा और क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा अ सोर्ड वुड पियर्स हर ओन सोल और एक तलवार उसकी खुद की आत्मा को छलनी कर देगी एज शी वुड विटनेस द सफरिंग ऑफ हर सन जबकि वो खुद अपने बेटे की दुख और दर्द और ताड़ना की को अपनी आंखों से देखेगी And my friends, remember this. और मेरे मित्रों इस बात को याद रखिए. In this world, इस संसार में, God's calling always involves blessing and suffering. परमेश्वर की बुलाहट के संग ये दोनों ही बातें जुड़ी हैं, जिसमें आशीषें और दुख दोनों सम्मिलित हैं. Joy and sadness. आनंद और दुख. Comfort and pain. और दर्द और जो है सुख. Success and also disappointment. और सफलताएं लेकिन साथ ही साथ निराशाएं. These things are evident if you study the life of Abraham, Moses
एंड पॉल और ये सारी बातें बड़ी अच्छे रूप से दिखती हैं जब आप पढ़ेंगे मूसा पौलुस या अब्राहम के जीवन के बारे में द कॉल ऑफ अब्राहम और मो अब्राहम की का जो बुलाहट इवन आफ्टर 4000 इयर्स 4000 साल के बाद भी टुडे आज के दिन अब्राहम स्टैंड टॉल एंड हिज नेम मिलियंस हैव अडॉप्टेड हिज नेम अब्राहम और लाखों ने अब्राहम के नाम को ग्रहण किया है ओ द ब्लेसिंग ऑफ रिसीविंग अ प्रॉमिस्ड सन आफ्टर 25 इयर्स और वो आशीष कि 20 साल बाद उसने उस वादे के बेटे को प्राप्त किया एंड द कंफर्ट दैट ब्रॉट दैट सन और वो आनंद और सुख जो उस बच्चे के संग आया ही कंप्लेंड टू गॉड यू हैव नॉट गिवन मी एनी चाइल्ड एनी सन ऑल माय वेल्थ दैट यू गेव मी विल हैव टू गो टू अ सर्वेंट और क्योंकि उसने परमेश्वर से इस बात की शिकायत करी कि परमेश्वर तूने मुझे कोई बेटा नहीं दिया इसलिए जो सारी ये सुख समृद्धि धन भूमि मेरे पास है मेरे दास के या मेरे नौकरों के पास चली जाएगी But the birth of his son Isaac लेकिन उसके बेटे इसाक के जन्म brought what a comfort it brought. कितना सुख और आनंद वो उसके लिए लेकर आया same time, लेकिन साथ ही साथ what a pain and suffering. लेकिन कितना दुख और दर्द से होकर When God was God tested him जब परमेश्वर ने उसके प्रेम को की परीक्षा ली asking him to offer Isaac as a burnt offering jab usse kaha ki apne bete Isaac ko ek hombali ke roop mein balidan kar de Moses Musa his calling was great uski bulahat bahut mahaan thi but if you study the life of Moses lekin agar aap Musa ke jeevan ke bare mein adhyayan kare what pain it brought to him that he would not be allowed to enter into the वो दर्द जो उसके जीवन में आया कि जब उसे परमेश्वर ने उस वादे की देश में जाने से रोक दिया इट ही नॉट ओनली ब्रॉट द नेशन ऑफ इजराइल फ्रॉम बॉन्डेज फ्रॉम इजिप्ट और ना केवल इजराइल देश को उस दासवत्व से मिस्र से निकाल कर बाहर लाया बट लेट देम थ्रू द विल्डरनेस फॉर 40 इयर्स लेकिन उस 40 सालों तक इजराइल के घराने को वो उस मरुस्थल से या उस जंगल की यात्रा से निकाल कर लाया। And as they came to the border of the promised land, लेकिन जब वो उस वादे के देश की सीमा के पास पहुंच गए, God told him, परमेश्वर ने उससे कहा, You shall not enter into the promised land. अब तू इस वादे के देश में नहीं जा पाएगा। Because you have not treated me as a holy God in front of all these people. क्योंकि तूने इन सारे लोगों के समक्ष मुझे पवित्र परमेश्वर के रूप में नहीं जाना। He got angry. और तू गुस्सा हुआ। And instead of hitting the rock. Only once he hit two times. और यहाँ की वो उस पत्थर को एक बार लाठी से मार था उसने दो बार मारा। You know my friends. मेरे मित्रों. God will never compromise his. परमेश्वर कभी भी अपनी पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं करता। You may consider it a cruel thing. और आप इसे एक बहुत ही कष्टहीन बात समझें। And why did Moses get angry? और क्यों मूसा गुस्सा हुआ? Not his fault. ये उसकी गलती नहीं the थी। The people. वो तो लोग थे। The people. वो लोग God would not even consider that. परमेश्वर उस बात को लेकर भी उसे कोई समझौता नहीं so when you consider the call of Paul, जब आप पॉल उसकी बुलाहट को देखते हैं what pain and struggles and it brought और कौन से कितने दुख कितने दर्द और कितनी सारी ताड़नाएं उसके जीवन में आई साइड बाय साइड लेकिन साथ ही साथ what joy, कितना सारा आनंद What amazing grace! और परमेश्वर ने कितनी अद्भुत अनुग्रह उसे दिया। What revelation! और कैसा प्रकाशन उसे प्राप्त हुए। The joy of visiting the third heaven is the only human being ever visited third heaven. और वो आनंद कि वो तीसरे स्वर्ग तक गया और वो सिर्फ एक मात्र ही ऐसा मनुष्य है जो तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा। But the pain. लेकिन वो दर्द। The struggle. वो लड़ाई। He went through. वो सारी बातों से वो होकर के। Not ordinary. लेकिन साधारण नहीं थे। The torture. और वो तारनाएं the persecution और वो सताव but all these men remained faithful and loyal to this god and died gave their life for him लेकिन ये सारे मनुष्य इस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य ठहरे और अंत में अपनी जानों को इस परमेश्वर के लिए दे दिया I meditated this with you और आज की सुबह हमने इस बात पर मनन किया
टेक द मैसेज आप इस संदेश को ले रिमेनिंग ट्रू टू गॉड कंसिडरिंग गॉड टू बी योर ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड और परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रह करके और परमेश्वर को अपना सबसे बड़ा पुरस्कार जानकर डू नॉट वीप एंड क्राई अबाउट व्हाट इज फॉरबिडन फॉर यू और इसलिए उन बातों के लिए रोए नहीं चिल्लाए नहीं जो आपके लिए मना है Remain true to him. परमेश्वर के प्रति सत्य बने रहें। The losses you suffered. और वो बातें जो आप जिन असफलताओं से होकर के निकलेंगे Don't cry over. उनके लिए आप रोए ना Your great reward is just waiting. आपका महान पुरस्कार इंतजार कर रहा Remain faithful. आप विश्वास योग्य बने God may deny certain things, और परमेश्वर हो सकता है कई बातों का तिरस्कार कर दे But what he denies you, लेकिन वो बातें जो वो मना करता है If he allows, the same thing may become a hindrance for your progress. अगर वो अनुमति दे तो वही बातें आपके बढ़ने के लिए रुकावट बन जाएंगी So God bless you as you faithfully serve the Lord and Remain faithful to His word and to His. परमेश्वर आप सबको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के वचन और उसके लिए विश्वासियों के बने रहते हैं. This is a great day. ये एक महान दिन है. Heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता. I thank you that your people have heard your word. धन्यवाद कि तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना. What is important to you? जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है. For God's people to show forth His holiness. And His greatness. वो ये है कि तेरे लोग तेरी पवित्रता को और तेरी महानता को दिखाने पाए। For that we may have to get rid of certain things and forgo certain other things. और ऐसा करने के लिए हो सकता है हमें कई बातों से मन फिराना पड़े या उन्हें त्यागना पड़े। Knowing that our greatest reward is still awaited. और ये जानते हुए कि हमारा महान पुरस्कार अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। Grant your grace that we may remain faithful to you, Lord, until the end. अपने अनुग्रह को हमें दे ताकि हम अंत तक तेरे लिए विश्वास योग्य ठहरे Jesus name. यीशु के नाम में God bless you, my friends. Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. It's a great day. एक महान दिन है. Walk with the Lord. परमेश्वर के संग चले. Serve him. उसकी सेवा करें. And glorify और उसकी महिमा दे. You are he is your greatest reward. याद रखिए वो परमेश्वर ही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष Amen. Amen.